हाय दोस्तों, मैं कमलेश कौर। जैसा कि आप सब जानते हो, सर्दियों का मौसम चल रहा है और इसमें तरह तरह की बहुत सब्जियां वैरायटी में आई हुई हैं, तो हम इन सर्दियों में परांठों का मज़ा लेते हैं। तो आज हम नई रेसिपी बनाने जा रहे हैं, मेथी के परांठे। तो इसे लाइए, बनाइए, खाइए, मज़े लीजिए और इसे सब्सक्राइब करना मत भूल। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी के परांठे और ये हमारी मेथी है। अब इस मेथी को हम इस तरह से तोड़ लेंगे। सारी मेथी को हमें इसी तरह से तोड़ लेना है। तो दोस्तों, मेथी को मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। अब इसे बारीक बारीक हम काट लेंगे। हम इस मेथी के परांठे में थोड़े से हरे धनिया भी डालने वाले हैं। दोस्तों, हरे धनिया को मैंने बारीक काट लिया है। अब इस हरे धनिया को मैं इस मेथी में ही मिक्स कर दूंगी। तो दोस्तों, ये मेथी और हरे धनिया है, इसको हम अच्छे से 2-3 पानी से धो लेंगे। तो दोस्तों, मेथी परांठा बनाने के लिए मैं लूंगी 2 कटोरी गेहूं का आटा। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा इसमें मैं डाल रही हूँ अजवाइन। इसमें मैं डाल रही हूँ 2-3 कटी हुई हरी मिर्च। अपने स्वाद के अनुसार इसमें मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें नमक। थोड़ा सा इसमें मैं डाल रही हूँ गरम मसाला। इसी में डालूंगी 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल। अब इसमें मैं डाल दूंगी जो हमने मेथी और धनिया पत्ती काट के रखी हुई थी, इसी आटे में मैं मिक्स कर दूंगी। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा गूंद लेंगे। तो हमारा ये जो मेथी का आटा है वह गूंद चुका है। अब इसे 2 मिनट के लिए हम रेस्ट पे रख देंगे। हमारे आटे को रखे हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसकी हम चपाती बनाते हैं। मैंने ले लिया है आटे का 1 पेड़ा। इसका बनाएंगे हम परांठा। इसके अंदर हम थोड़ा सा लगाएंगे तेल, इस तरह से सूखे आटे में रख के, और इसका हम परांठा बनाएंगे। अभी हमारी रोटी बन चुकी है। अब इसे हम डाल दें तवे पे। तवा गर्म हो चुका है, इसमें मैं थोड़ा सा पहले ऑयल डालूंगी, क्योंकि तवे पे ऑयल है इसलिए हमें जो रोटी बनाई है वो इसे धीरे सी डालना है। नीचे से ये थोड़ी सिक चुकी है, इसको हम इस तरह से पलट देंगे। हम एक और रोटी बना लेते हैं। गैस को हमने मीडियम रखना है और इस पे हम फिर से थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको इस तरह से प्रेस करते हुए चम्मच से बनाते रहेंगे, ताकि हमारा जो परांठा है वो अच्छे से सिक जाए। इसी तरह से हम दूसरा परांठा बनाएंगे। पहले तवे पे थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इस परांठे को धीरे से तवे पे डाल देंगे, क्योंकि इस पे तेल है वो हमारे ऊपर उछले ना। इसी तरह से हम दूसरे परांठे भी बना लेंगे। ये वाला परांठा भी हमारा बन चुका है, इसे भी हम थाली में सर्व कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे मेथी के परांठे रेडी हो चुके हैं। मैंने इसे सर्व कर दिया है दही के साथ में। दही में मैंने काली मिर्च और न डाला है थोड़ा सा। और आइए और इसका सर्दियों में परांठे का मज़ा लीजिए, खाइए, सबको खिलाइए, घर पर ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक और कमेंट कीजिए। प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए, बने रहिए मेरे साथ।